नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास है पार्ट दो। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था मंदोदरी रावण को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास करती है कि वे भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग दें, उनके चरणों में जाकर के शरण ग्रहण करें, पुत्र को राज्य सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाकर के भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो जाए। रावण जो है वो मंदोदरी की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो मंदोदरी भगवान श्री राम के विश्व रूप का दर्शन करवाने का प्रयास करती है, वर्णन करती है रावण के समक्ष। अब आगे कहती है मंदोदरी, अहंकार से बुद्धि अज मन ससी चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। देखें अस विचारी फिर से कहा समझाने लगी, कल्पति
तजगो त्याग दो मति अर्थात पूरे विचार कुविचार सोहर सोहर न अर्थात शोभा नहीं देगा समय नहीं देगा तो तुम यानी तुम्हारे और रघुपति के बीच रामानुज अर्थात राम का अनुज अर्थात राम का छोटा भाई अर्थात लक्ष्मण लघु ने छोटी रेखा सजाई खींची गई सो वही नागे लांग ले सके पार नहीं कर सके असी अर्थात यही मनुषाई अर्थात पुरुषता अर्थात पुरुषार्थ है तुम्हारा प्रिय तुम ताही जीतक संग्रामा ताही उनसे क्या तुम उनसे संग्राम जीत सकते हो जाके जिनके दूध के गामा के लिखिए दूध सेवक कौतुक लिखिए सिंह में समुद्र नागी यानी राधा कल यानी तुम्हारी गंगा आया हूँ यानी आ गया कभी के लिए अर्थात बांधव में सिंह की भांति असंका बिल्कुल बिल्कुल निशंक होकर के बिल्कुल निश्चिंत होकर के रखवाले रावण के पुत्र अक्षय कुमार के लिए आया है तेरी यानी तुम्हारा मारा जारी यानी जला दिया सकल यानी संपूर्ण पुर यहाँ पे शगर लंका के लिए आया है इन्हें सी यानी कर दिया छाना यानी रात कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा शक्ति और गर्व कहाँ गया मृषा यानी व्यर्थ गाल जनी मारो यानी मत मारो यानी मारो व्यर्थ गाल बजाओ अर्थात व्यर्थ दीन मत हाँको मोर कहाँ मेरा कहाँ कछुर जय जालू पति रघुपति नृपति अर्थात राजा जय यानी मानो मत जय यानी मत मानो यानी मानो अब जब यानी चल अचल नाथ यानी स्वामी बल जालू शक्ति जालू ये हो गए बेटे छोटो प्यार अब हम करते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है मंदोदरी रावण से देखो सांझी जनी दशकंधर भवन गयो मेरे भाई रावण ने देखा कि सांझ को ले जा रही है कि लगा ऐसा कि संध्या हो रही है अत्यधिक निराशा निराशा से गिर गया था वो उसे लगने लगा कि संध्या हो गई है और वो अपने घर के अंदर गया बड़ा दुखी होते हुए बिन खाई था व्याकुल होते हुए दुखी होते हुए अपने भवन के भीतर गया नहीं के भीतर गया मंदोदरी रावण ने की बहुरी को समझाई तब पत्नी मंदोदरी ने फिर से रावण को समझाना शुरू कर दिया कंत समझिए मन बजू पति ही ये कंधे स्वामी के नाथ समझिए मेरी बात पर विचार कीजिए शांतिपूर्वक विचार कीजिए और कुमति को कंत समझे समझी मन बजू कुमति ही स्वामी मेरी बात को समझिए ध्यान से सुनिए और खूब जाने को ध्यान दीजिए सोमन समर्थ वही रघुपति ही तुम्हारे और राम के साथ युद्ध शोभा नहीं देता क्योंकि राम तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है वो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है ईश्वर है भगवान है सोहना समर्थ वही रघुपति की तुम्हारा राम के साथ युद्ध शोभा नहीं देता रामानुज लघु रे खचाई क्यों शोभा नहीं देता है देखो अब तक जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई है उनको देखते हुए तुम्हारी रावण के सामने कोई स्थिति ही नहीं है तुम देख भी नहीं सकते रावण के समक्ष तुम कुछ कोई नहीं देखो रामानुज लघु रे राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने छोटी सी रेखा खींची थी सो हुई नागरों असी मनुषाई तुम तो भी लाल गए असी मनुषाई क्या ये तुम्हारी पुरुषता है क्या ये तुम्हारा पुरुषार्थ है क्या ये तुम्हारा बल है ये तुम्हारी शक्ति है प्रिय तुम ताही जीतक संग्रामा हे प्रिय क्या तुम उसके साथ युद्ध जीत सकते हो ताही यानी उसके क्या तुम उसके साथ युद्ध जीत सकते हो जाके रखवाले ने उजाला देखत तो ही अच्छे ही मारा और
ये मानते हुए उनकी शरणों में जाकर के अपने प्राणों की रक्षा करो। इसकी छोड़ लो इसका और इसके आगे का फल में प्रार्थी। हाँ, अब बात करते हैं हम आगे अगले पद की। मंदोदरी आगे कहती है रावण से, बाण प्रताप जान मारी जा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा, जनक सभा अगणित गोपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला, भजी भंजी धनुष जान की प्यारी, तब संग्राम जीते हो किन नानी, सुरपति सुत जाने बल खोदा, राखा जीत आंखी गति तोरा, सुपन खाती गति तुम देखी, तदप हृदय में लाज किसे की, बधी विराग सर दुख नहीं, बीना क्यों बंद, बाली एक सर मारो, ते ही जान को दस्तक। देखो मंदोदरी जैसे कि है रावण से, उसके बाणों की प्रताप, उसकी शक्ति और बल का वर्णन करते हुए कहती है मंदोदरी कि हे नाथ, हे स्वामी, आप नहीं जानते किंतु बाल प्रताप जान मारीचा ऋषि मारीच जिसके सहयोग से रावण ने सीता का हरण किया था, तब उस समय मारीच ऋषि ने रावण को आगाह करने का प्रयास भी किया था कि राम जो है वो परम शक्तिशाली है और उससे शत्रुता को लेना उचित नहीं है। मारीच ऋषि ने रावण को राम की शक्ति का परिचय करवाने का प्रयास किया था किंतु अहंकारवश रावण को समझ ही नहीं आया। तो मंदोदरी कहती है कि बाण प्रताप जान मारी जा, भगवान श्री राम के बाणों का प्रताप, उनका बल, उनकी शक्ति मारीच ऋषि भली भांति जानता था, इसी से उसे तुम्हें रोका था, रोकने का प्रयास किया था, तासु कहा नहीं माने नीचा, लेकिन तुमने काफी उसका मारीच ऋषि का तासु कहा नहीं माने नीचा, किंतु तुमने अवसर कहा नहीं माना और ये नीचा जो है स्वीकृति के लिए आया है, रावण के सीता को हरण करने के नाम पर ये समझाया है कि उसका कहा मारीच ऋषि का कहा तुमने नहीं माना और ये नीच कार्य किया, जगत जननी माता सीता का हरण कर लाए मारीच ऋषि की बातों को नहीं मान करके, उनको अनसुना करके। जनक सभा अगणित गोपाला, आगे मंदोदरी कहती है जनक प्रताप राजा जनक सीता के पिता, अगणित अनगिनत अनेकों राजा गोपाल राजा, तुम यदि तुम भी पर अतुल विशाला परम शक्तिशाली अत्यंत बली पराक्रमी। मंदोदरी कहती है कि राजा जनक की सभा में जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर की सभा में अनेकों राजा थे, परम शक्तिशाली सभी राजा थे और उन राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली बली पुरुषार्थी पराक्रमी बलवान आप भी तो थे, रहे तुम हम बल अतुल विशाला, भंजी धनुष जान की बिहाई, भंजी यानी भंज कर तोड़कर, धनुष शिव का धनुष जिसे तोड़कर के राम ने सीता से विवाह किया था, जान की अर्थात जनक की पुत्री सीता बिहार यानी विवाह किया, तब संग्राम जीतेव की नाथ। अब मंदोदरी कहती है कि उस समय सभी जब सीता का स्वयं हो रहा था, उस समय बहुत सारे राजाओं के साथ परम शक्तिशाली आप भी तो विद्यमान थे, मौजूद थे, उपस्थित थे, जब भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ करके सीता से विवाह किया, उस समय तुमने राम से संग्राम क्यों नहीं किया, उस समय तुमने राम से युद्ध क्यों नहीं किया, युद्ध करके उसे जीत करके सीता को क्यों नहीं ले आए। सुरपति सुत जाने बल तोरा, सुरपति अर्थात सूर्य ने देवता, पति यानी स्वामी ना देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र, सुरपति सुत देवराज इंद्र के पुत्र जयंत जो परम अहंकारी था, बड़ा घमंडी था जयंत, तो उसने क्या किया, सुरपति सुत जाने बल तोरा, उसने क्या किया, कौवे का रूप धारण करके सीता के पैरों पर चोंच मार दी। तब राम ने क्या किया, तब राम ने अपने बाणों की शक्ति से, बाणों की शक्ति और प्रभाव से उसको पकड़ लिया, उस कौवे को पकड़ लिया, जयंत कौवे बने जयंत को पकड़ लिया और उसको पकड़ करके उसकी एक आंख फोड़ दी। देखे राखा जीत आंखी गति कोरा, उसको पकड़ करके उसकी आंख फोड़ दी, गई यानी पकड़ करके उसकी आंख फोड़ दी, किंतु उसको जीवित रखा क्योंकि वो भगवान श्री राम के बल और शक्ति को थोड़ा बहुत जानता था, इसीलिए उसको जीवित रखा, मात्र उसकी आंख ही फोड़ी भगवान श्री राम ने। सुपर्णा की गति तुम देखी, सुपर्णा भगवान श्री रावण की बहन
करने के लिए प्रेरित करती है और उसी की वजह से रावण जो है वो सीता का हरण करता है बहन के अपमान का बदला लेने के लिए। तो सुपर्णा की गली तुम देखी मंदोदरी कहती है कि तुम बाकी नहीं छोड़ो और भी छोड़ो अपनी बहन मंदोदरी सुपर्णा की दुर्गति तुमने देखी ही होगी। और इसके